यूसीसी को लेकर देश के कुछ राजनेता और धर्म के ठेकेदार ये माहौल बनाने में लगे हैं कि कैसे लोगों को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बरगलाकर अपने साथ ले लिया जाए और सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया जाए, सरकार को कैसे चुनावी नुकसान दिखाया जाए। लेकिन ये नेता और मौलाना मौलवी ये नहीं जानते कि ये कानून इन्हीं के समाज को मजबूत करने के लिए और उनकी महिलाओं को संबल बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन मुस्लिम महिला चाहती है कि ये कानून आए। क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर भारत में चर्चाएं जारी है। इस बीच एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि भारत की अधिकांश मुस्लिम महिलाएं शादी तलाक जैसी प्रक्रियाओं के लिए एक ही कानून का समर्थन कर रही है। खास बात है कि अगर भारत में यूसीसी लागू होता है तो ये मौजूदा पर्सनल लॉ की जगह ले लेगा। हालांकि यूसीसी कब तक लागू होगा इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं सर्वे में 18 से 65 साल और उससे ऊपर की महिलाओं को भी शामिल किया गया था। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूज 18 की तरफ से किए गए इस सर्वे में 8,035 मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की गई थी। खास बात है कि महिलाओं के सामने यूसीसी का जिक्र नहीं किया गया था और सिर्फ एक समान कानून लागू को लेकर सवाल पूछा गया था। इस दौरान अशिक्षित से लेकर पीजी तक की कई महिलाएं बातचीत का हिस्सा बनी। सवाल पूछे गए कि क्या वो शादी, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसी प्रक्रियाओं में सभी भारतीयों के लिए एक जैसे कानून का समर्थन करती हैं। इस पर सर्वे में शामिल हुई 5,403 महिलाओं यानी 67.2% ने हामी भरी। वहीं 25% यानी करीब 2,039 महिलाओं ने इससे इनकार किया था। महज 593 महिलाएं ऐसी थी जो इस बारे में कोई राय नहीं रखती थी। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षित वर्ग में देखे तो 68.4 यानी 2076 महिलाएं एक समान कानून के पक्ष में थी, जबकि 820 इससे इनकार कर रही थी और 137 की कोई राय नहीं थी। सर्वे में 10.8% महिलाएं पीजी, 27% ग्रेजुएट्स, 20.8% 12th+, 13.8% 10th+, 12.9% कक्षा 5 से 10 के बीच, 4.4% 5वीं तक की पढ़ी थी। सर्वे के अनुसार जवाब देने वाली महिलाओं में कुल 73.1% सुन्नी, 13.3% शिया, 13.6% अन्य थी। खास बात है कि 18 से 24 आयु वर्ग की 18.8% महिलाएं थी। वहीं 25 से 34 की उम्र की 32.9%, 35 से 44 की 26.6%, 45 से 54 की 14.4%, 55 से 64 की 5.4% और 65 से ज़्यादा आयु की 1.9% महिलाएं थी। इनमें 70.3% शादीशुदा थी और 24.1% अविवाहित थी। वहीं 2.9% विधवा और 2.9% का तलाक हो चुका था। तो देखा आपने कैसे मुस्लिम महिलाएं भी यूसीसी के समर्थन में होती जा रही हैं। इसका खुलासा इस सर्वे में हो गया है। ऐसे में यूसीसी पर भी भगवा दल को मुस्लिम महिलाओं का वोट मिल सकता है, जैसे 3 तलाक कानून के बाद हुआ था। ये सर्वे विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि विपक्ष के वोट बैंक में सिंध लगता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।